और शिवराज कृष्ण का जो है वो सुनेंगे आपको और कामयाब हो गए अपनी संपत्ति
मिडिल क्लास हाउसहोल्ड को चलाने के लिए 50,000 से 70,000 मिनिमम बेसिक सैलरी ग्रेजुएशन के बाद कुछ लोग टीचिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ फ्रीलांसर ऑफिस जॉब्स लिंक्डइन के प्रोफाइल सेटअप नहीं है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ कम कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, आप जिमर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, ये ऑप्शन दिया जाता है। जिसने मौत और हयात की कश्मकश को पैदा किया ताकि वो जांच सके कि तुम में से बेहतरीन आमाल कौन करता है। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास लियन फाउन नास, तुम में से बेहतरीन इंसान में से बेहतरीन वो है जो लोगों को फायदा दे। कितना खूबसूरत आपका दीन है जो जिंदगी के हर मामले में आपको इंस्पिरेशन और गाइडलाइन काम करता है। मेरे ख्याल में ये दोनों एक सुंदर मैंने आयत मैंने आपके सामने पढ़ी और एक हदीस आपके सामने बयान की। आयत आपको कहती है कि जो भी काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट बेहतरीन हो जाओ, ठीक है। दीन आपको क्या कह रहा है कि जो भी काम करो उनमें आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। फ्रीलांसिंग भी यही कहती है कि जो भी काम जिसमें आप सबसे परफेक्ट हैं उसमें शुरू हो जाए काम करना, ठीक है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो दूसरों को फायदा देने का सोचेगा, दूसरों को फायदा देने की कोशिश करेगा वो सबसे बेहतरीन है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इसी को कहती है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, और फिर हम देखेंगे कि उसमें रास्ता क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं उसमें काम करने के लिए या इस रास्ते को चूज करने के लिए, और उसके फायदे और नुकसान क्या है। मेरा नाम मुकुल बिलाल है, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा करवा दिया है। जब बात हो नौजवानों से तो मुमकिन होता ये है कि आमतौर पर आप लोगों से भी पूछा जाए कि कितने लोगों को लगता है कि जो जॉब आप चाहते हैं, 1 लाख वाली जॉब आप चाहते हैं, कितने लोगों को लगता है कि वाकई मिल भी जाएगी, आप क्या करें? 4-5 लोग इंटरेस्टेड नजर आते हैं कि हो जाएगा, बाकी लोगों को उम्मीद कम है। अच्छा, तो उम्मीद कम क्यों है? इसलिए कि अमूमन आपसे क्लियर नहीं होता कि जॉब के लिए क्या चीज चाहिए। आपने देखा कि ज्यादातर लोग दिवाली जाए तो कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई कहेगा कि रेफरेंस सिफारिश चाहिए होती है, पैसे देने पड़ते हैं, ये होता है, वो होता है, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें कहानियां चल रही होती हैं। रिसर्च, अब यहाँ पे आपके सामने मैंने चंद मिनट में आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर छोटी सी रिसर्च कर ली, उससे पता लग गया कि कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1 लाख लोगों या 10 लाख लोगों से बेटर बैक कर लूँ तो मैं काफी अच्छे अंदाज में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, हो सकता है। तो रिसर्च ने इस तरह से मुख्तलिफ लोगों की जिंदगी को फॉलो किया, कौन सी चीज कामयाबी के लिए जरूरी है, क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेशन कुछ सिफारिश वगैरह इंपॉर्टेंट है, क्या कोई कमिटमेंट या कोई पैसे इन्वेस्टमेंट, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखा यह गया कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी इंडिविजुअल की सक्सेस में वो है ग्रिट। ग्रिट किसे कहते हैं पता है किसी को? ग्रिट कहते हैं आपकी लगन को, आप कितनी देर उस काम को करते रहे तो थकेंगे नहीं, ठीक है। एक है कि आपने बड़े जोश और खरोच से काम शुरू किया, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल गई, आपका रिलेशन भी था, आपको काम मिल गया, लेकिन उसके बावजूद 90% लोग नाकाम हो जाते हैं। 10% सक्सेसफुल वो होते हैं जिनको टूटे पड़ रहे हों, हालात बुरे हों, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने काम से अपनी लाइन से हटे ना, उसके ऊपर लगे रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपने देखा है
कि आपके साथ जब बीयर शुरू किया था तो कितने लोगों ने शुरू किया था और एंड में कितने लोग रह गए। आपके ग्रिड है तो आप यहाँ तक हैं, बाकी कोई इधर को डाइवर्ट हुआ, कोई उधर को डाइवर्ट हुआ, किसी ने कहा मैं वो करूंगा तो आसमान पर पहुंच जाऊंगा, किसी ने कहा मैं ये करूंगा। लोग अपना टाइम नहीं रह पाते अपने डिसीजन के ऊपर, लेकिन जो बंदा टाइम रहता है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो अब आपने डिसीजन ले लिया कि ठीक है मैंने ये काम करना है, ये मेरा पैशन है, मैंने इसको लेकर आगे चलना है। तो अब होता ये है कि आप लोगों ने सबने बताया कि भाई एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। अब एक्सपीरियंस के लिए जॉब इम्पोर्टेंट है और जॉब के लिए एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, तो दोनों इम्पॉसिबल हो गए कि फिर ना एक मिलेगी ना दूसरी मिलेगी। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जो काम आपको पसंद है वो फ्री में करना शुरू कर दें। पैशन क्या होता है? किसी बंदे को मार्केटिंग का शौक है, ठीक है, अब उसको चोटें लगती हैं, उसकी बाइक दबा होती है, 10 दफा एक्सीडेंट करवा चुका है, उसके बावजूद वो उस काम से नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि ये उसका शौक है, ये उसका पैशन है। किसी को पतंग उड़ाने का शौक है, मुर्गे लड़ाने का शौक है, गालियां खाने के लिए रोटी नहीं है, फिर भी मुर्गे को बादाम खिला रहा है रोज, ठीक है, तो वो उसका पैशन है, पल्ले से पैसे उड़ा के वो काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने अपना पैशन ढूंढना है कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें कुछ भी ना मिल रहा हो तो आप खुशी खुशी कर लेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, मतलब खवातीन के लिए एग्जाम्पल है कि जी सहेली की शादी हो रही है तो उसकी वो उसकी डेकोरेशन करनी है, कुछ ना भी मिले तो 10 लड़कियां राजी तो लेंगी कि हाँ हम करेंगे, आपस में लड़ रही होंगी कि नहीं, उनके ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। क्यों? शौक है। घर में सजावट का शौक है, कोई और इस तरह का लड़कों में एग्जाम्पल देगी। तो मुख्तलिफ काम हो सकते हैं जो आपको इतने पसंद हों कि आप उसके लिए मुफ्त में भी काम करने को तैयार हों। एक सहेली की सजाई, दूसरी की सजाई, तीसरी की सजाई, जब 10 की सजाएंगे तो फिर वो लोग भी आपको रब्ता करना शुरू हो जाएंगे जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जिनको आप मुफ्त में काम करने को मतलब वो आपको मजबूर नहीं कर सकते, वो सहेलियाँ नहीं है कि आपसे मुफ्त में करवा लें या रिश्तेदार नहीं है। तो आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी, आपके चर्चे होना शुरू हो जाएंगे कि भाई वो फलानी लड़की है, उसने उसकी स्टेज सजाई थी बड़ी खूबसूरत थी, या उसका मेकअप किया था बड़ा बेहतरीन था, या उसका शादी का ड्रेस बना के दिया था बड़ा बेहतरीन था। तो वो आपके जब चर्चे होना शुरू हो जाए, आपकी बातें एक से दूसरे दूसरे से चौथे को पहुँचना शुरू हो जाए, तो आपकी एक ऑडियंस इकट्ठी हो गई। अब उस ऑडियंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं पेड कामों के लिए, ठीक है, आप उनको चार्ज कर सकते हैं कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा आपका काम करने के लिए, ठीक है। कोई और इस तरह का आगे फ्रीलांसिंग की बात करेंगे कि उसमें कैसे चलता है। तो जब आपको इस तरह से पेड ऑर्डर मिलना शुरू हो गए उस काम के, बेसिकली आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ये भी फ्रीलांसिंग है, मतलब डिजिटल फ्रीलांसिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग क्या है, आप किसी के नौकर नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है, आपको काम मिल रहा है, लोग आपको पैसे देते हैं, आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपने बड़े पैसे जोड़ जोड़ के जनाब कैमरा अच्छा खरीद लिया, फिर आप लोगों की जाके शादियों में तस्वीरें खींचना शुरू हो गए, आपको फोटो एडिटिंग का शौक है, फैशन के बारे में बात हमने कर ली। तो अब मसला ये है कि आपको पे करेगा कौन? अमूमन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप जीरो पे हैं, मुझे कहेंगे कि भाई इतने पैसे दे दो तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मुझे क्या पता आप काम कर भी सकते हैं या नहीं, आप में काबिलियत है भी या नहीं, आप ऐसे ही मेरे पैसे लेके वापस आया कर दें, मेरा जनाब परसों शादी हो और आप आए ना हो, मुझे कुछ काम ही ना हो, तो फिर तो मैं फंस गया। आपकी काबिलियत पे इतमाद कौन करेगा? सबसे पहले आपकी काबिलियत पे इतमाद करेंगे जो आपके करीबी दोस्त अजीज रिश्तेदार हैं, वो आपसे काम शुरू में करवाना शुरू कर देंगे। आप अपने वालिद तो कह सकते हैं, हमारे यहाँ पर मसला ये होता है कि जब आप जॉब या और कोई इस तरह का काम सोचते हैं, जितने भी लोगों के बाप से पूछ रहे हैं कि जी बेटे को अपने वाले काम में ला रहा है, कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो काम ही बड़ा गंदा है, इसमें स्टेकिंग आना है, ठीक है, वो राजी नहीं होते कि बच्चे को उस काम पर लगाया जाए जिस काम में वो करते हैं। हालांकि उसमें एक्सपीरियंस लेना बच्चे के लिए सबसे आसान है, दुकान पर थोड़ी देर बैठ जाए, कोई और इस तरह का काम थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर ले आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें भी आपका काम चलना शुरू हो जाता है। तो आपने पैशन अपना ढूंढ लिया और आपको कोई चार पांच लोग ऐसे मिल गए, आपके चाचू ने कहा कि भाई मेरी वेबसाइट बना दो, मेरा दुकान है तो उसके लिए वेबसाइट खड़ी कर दो, या और इस तरह के कभी शादी का जोड़ा सुनवाना है तो आपने किसी अच्छी दर्जन से आपका रहा है तो आपने सुना
दे दिया। तो इस तरह करके आप आहिस्ता आहिस्ता काम एक टाइम पे चल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने आपके पास दो ऑप्शन हैं, आपको काम मिल गया, आप उस काम को करना शुरू कर दिया, दो ऑप्शन हैं। नंबर एक, या तो अपने लिए कोई बॉस ढूंढना शुरू कर दें, तो आप सबका पहले से माइंड होता है कि कल को जाएंगे किसी के सामने सीधी लेके खड़े होंगे कि भाई हमारे मेहरबानी करो, हमें कुछ नहीं आता, हमें नौकरी पे रख लो, तो इस तरह करके तो बॉस ढूंढे, या इस तरह से फ्रीलांसिंग को आगे लेकर चल सकते हैं। बॉस आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई जब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, और उसके मुकाबले में फ्रीलांसिंग में आपने क्लाइंट को खुद बताना होता है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, इसको मैं इस तरह करके सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस हो चुका है काम का, जो आप शौकिया तौर पे कर रहे थे, आप वीडियो एडिटिंग रोज इंस्टाग्राम पे नई वीडियो एडिट करके लगाते हैं, क्लाइंट आता है कि भाई मेरे जनाब रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं तो उनको इस तरह लगा दो, आप कहते हैं नहीं यार इस तरह तो अच्छी नहीं लगेगी, ये देखो मैंने एक तस्वीर मुझे पहले वीडियो बनाई थी इस तरह की आपको बना देता हूँ, कहते हैं हाँ बहुत अच्छी है। तो आप क्लाइंट को अपनी मर्जी से आगे चला सकते हैं उसमें। इसी तरह जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करना है, काम है नहीं है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, कुछ भी है, सुबह 8 बजे वहाँ पे पहुँचना है या 9 बजे पहुँचना है, शाम को 4 बजे या 5 बजे छुट्टी होगी, उसमें भी बॉस आपको एक्स्ट्रा काम दे देगा। ज़्यादातर लड़के जो जॉब कर चुके हैं वो लोग, उनको पता होगा कि जी 8 घंटे को छोड़ के 12 घंटे काम करवाना 8 घंटे की पे पे आम बात है कि वो जनाब जगह बस लोग काम करते रहेंगे, मजदूर हैं छोड़ के नहीं जा सकते, तो एक्स्ट्रा टाइम लेना आम बात है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास क्लाइंट आया कि भाई ये काम कर दो, आप कहते हैं नहीं आज मैंने आराम करना, मैं नहीं करता, ठीक है ना, करे भाई कौन आपको धंधे कर रहा है, तो आप अपने शुक्र पे काम कर सकते हैं। इसी तरह जॉब का फायदा ये है कि आप तो बीमार थे, आपने कम काम किया, आपने ज्यादा काम किया, किसी की शादी आ गई, छुट्टियां लेनी पड़ गई और इस तरह के मामला हुए, तो उससे आपकी इनकम अमूमन अफेक्ट नहीं होती, एक फिक्स सैलरी आपकी तय हो गई, अब अगले 2 साल 3 साल 4 साल आपने कोई इनकम कमानी है, बड़ी मुश्किल से कभी 4 साल बाद जाके धंधे करेंगे बॉस के काफी मेहरबानी है, तो फिर उसने आपके 2000-3000 करके तो बढ़ा के आपके ऊपर एहसान करने में देखो मैंने 5000 करके बढ़ा दिए। उसके मुकाबले में फ्रीलांसिंग में वेरिएबल इनकम है, जितनी एफर्ट करते जाएंगे, जितना एक्सपीरियंस करते जाएंगे, उस हिसाब से आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है। जॉब के अंदर अमूमन ग्रोथ बहुत स्लो होती है, मतलब वही बात के 4 साल 5 साल बाद जाके पे बढ़नी है, वो भी कई दफ़ा ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है वो आज से कोई 7 साल पहले जॉब पे लगा था, तो जितनी मिनिमम इनकम थी 32,000 इनकम आजकल है, उसको थी शायद 15,000, तो उसकी सैलरी लगी 18,000, यानी मिनिमम इनकम से थोड़ी ज़्यादा सैलरी पे उसने काम शुरू किया। अब 7 साल हो गए हैं, अब गवर्नमेंट ने तनख्वाह 32,000 कर दी है, तो उसकी तनख्वाह 32,000 है, ठीक है, यानी कि बजाय मिनिमम से ऊपर जाने के वो उल्टा नीचे की तरफ आ गया है इन रियलिटी। तो ग्रोथ नहीं होती जॉब्स के अंदर, लेकिन फ्रीलांसर के तौर पे जो आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, जो आप ज़्यादा काम करने लगते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी इनकम शुरू हो जाती है। मसला यह है कि ठीक है, एक रिश्तेदारों के लिए वीडियो बना लें, दोस्तों के लिए 5-10 वीडियो बना लें, या कोई ड्रेस डिज़ाइन कर लिए, अब उसके बाद क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो आपको फाइवर का नाम ज़्यादातर लोगों को पता है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस बने हुए हैं, ऐसे सिस्टम जैसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो क्लाइंट को और काम करने वालों को आपस में मिलाती हैं, जिसको काम की जरूरत है और जो काम करना चाहता है उनको आपस में मिलाती हैं, अपना बदले में थोड़ा बहुत कमीशन रखते हैं। तो उन वेबसाइट्स में सबसे ज़्यादा मशहूर और बिगिनर्स के लिए जो एडवांटेजेस है उसको फाइवर है, फाइवर पे आप शुरू कर सकते हैं, काम की तौदात है, मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स मंथली वहाँ पे पोस्ट होते हैं, तो उनमें से चांस है कि कोई ना कोई आपको भी मिल जाएगा। इसी तरह लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए अपवर्क है, इसी तरह फ्रीलांसर है, लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, टॉप टैलेंट के नाम से टॉप टैलेंट एक वेबसाइट है, दुनिया के टॉप 3, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी फील्ड में टॉप 3 पे शुमार होता हूँ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको टेस्ट करेंगे और आपको जॉब आपको क्लाइंट के साथ मिलवा सकते हैं। इसी तरह पीपल पर आर है, तो मुख्तलि वेबसाइट्स हैं और ये चंद एक हैं, इस तरह की हज़ारों और वेबसाइट्स हैं जो आपको जहाँ से काम मिल सकता है और फिर ताशा काम मिल सकता है। अब ये काम क्या
कैसे आपने यहाँ पर जाकर काम करना है, जिस तरह आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के ऊपर अकाउंट बनाया था पहली दफा, इसी तरह आपने इन वेबसाइट के ऊपर जाना होता है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, अमूमन वहाँ पे गूगल या फेसबुक के जरिए लॉग इन करने का बटन दिया होता है, जस्ट एक बटन के ऊपर क्लिक करें आपका अकाउंट एक चुटकी में बन जाता है, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो फेसबुक से या आपके गूगल अकाउंट से नाम बाकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो वन क्लिक साइन अप हो जाता है, फिर वहाँ पर अच्छा यहाँ पर जरूरी सबसे ज्यादा ये है कि आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, फेसबुक पे आप पापा की परी के नाम से अकाउंट बना लें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये वेबसाइट के ऊपर ऐसे नाम नहीं रख सकते, प्रिंसेस नाम नहीं रख सकते, ठीक है, आपने अपना एक्चुअल डाटा देना है, वो आपसे शनाख्ती कार्ड मांगेंगे, आपकी ओरिजिनल तस्वीर मांगेंगे, तो आपको देनी पड़ेगी, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे कहीं ना कहीं उन्होंने वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में कोई ना कोई स्टेप्स रखे हुए होते हैं, तो वो आप वहाँ पे फंस जाएंगे और आपका अकाउंट बंद हो सकता है, कि पूरी मेहनत सारी जाया हो सकती है, तो कभी झूठ ना बोले ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दूसरा मसला ये है कि एक दफ़ा आपको किसी सिस्टम से बैन कर दिया गया, आपको उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपने झूठ बोला या आपने कोई फ्रॉड किया, कोई इलीगल काम किया, बंद हो गए, आप दोबारा वहाँ पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे, तो इसलिए वो एक चांस देते हैं, उस चांस को दोबारा आपके पास नया शनाख्ती कार्ड तो नहीं आ जाना कि उस नए शनाख्ती कार्ड से आप अकाउंट बना लें, तो दोबारा चांस नहीं मिलता, इसलिए बहुत एहतियात के साथ काम करना है। फिर दूसरा काम ये होता है, आपका अकाउंट खड़ा हो गया, अब अकाउंट खाली दुकान आपने खोल ली है, अब उस दुकान के अंदर जब तक कोई चीज़ें आइटम्स नहीं रखेंगे बेचने के लिए, तब तक कोई आपके पास नहीं आएगा कि भाई मैंने ये काम करना है, तो वहाँ पर आपने सजानी होती है अपनी गिग्स, गिग्स कहते हैं तो छोटा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म काम हो सकता है, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइन बहुत अच्छा कर लेती हूँ या मैं वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो आप समझते हैं, मसलन आपको लगता है कि आप सबको वर्ड की डॉक्यूमेंट्स एडिट करनी आती हैं, असाइनमेंट कंपोज करनी आपने जाहिर है IAS में सीखी हुई है, ठीक है, आप सबने कभी ना कभी ग्राफ बनाए हुए हैं, आप सबने कुछ ना कुछ डाटा एनालिसिस किया हुआ है, तो इस तरह के जितने भी काम आपने किए हुए हैं असाइनमेंट्स के तौर पे, और आपको लगता है कि ये काम कोई और भी मुझे कहेगा, प्रेजेंटेशन बनाने को कहेगा तो मैं बना लूँगा, तो ये काम आप वहाँ पर लिख कर लगा सकते हैं कि ये मेरी गिग है, मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसके अब ये है कि आपका ये शोरूम है, अब ये नहीं है, अक्सर लोग क्या करते हैं इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया वहाँ पे फेंका, और ये कहते हैं कि 6 महीने हो गए हमें काम ही नहीं मिला, आपने उसके ऊपर तो कितनी दी, 100% एफर्ट वहाँ पर करनी पड़ेगी, सोच समझ के अच्छी तरह बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे आपने दिखानी है, तो फिर आपको काम मिलेगा, उसको देख के आपके लिखे हुए को देख के आपकी तस्वीर को देख के फिर लोगों ने आपसे कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो अगर उसमें ग्रामर की गलतियाँ हैं, उसमें लिखी हुई बात समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है, तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा, 100% टाइम और अटेंशन दे के मुकम्मल तौर पर अट्रैक्टिव बनाकर आपने अपनी गिग्स लगानी है। फिर उसके बाद दो काम होते हैं, नंबर एक इंतजार करना है, नंबर दो आपने बिडिंग करनी होती है बाज़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बिडिंग कहते हैं कि आपने बोली लगानी है, लोग आकर अपने प्रोजेक्ट क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट बताते हैं कि भाई मैंने मेरा जनाब गाड़ियों का शोरूम है, मेरे पास रॉ वीडियो पड़ी हुई है, मैंने उस वीडियो को अच्छी प्रोफेशनल लुक देनी है, ठीक है, मेरी जनाब मेरे मशीन चलाने का इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है, उसमें मैंने लिखा हुआ है लेकिन वो देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा, मैंने अच्छी वर्ड की डॉक्यूमेंट या अच्छी PDF फाइल बनानी है, वो आपसे रब्ता करेगा, ठीक है, तो वो सॉरी वो प्रोजेक्ट बनाकर वहाँ पे लिख देता है कि मेरा ये काम है, आपने उसको बताना है कि मैं ये काम $5 में करके दे सकता हूँ या मैं ये काम $10 में करके दे सकता हूँ, देखिए मैंने पहले कितने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हुए हैं, आप 4-5 अपने पहले के बनाए हुए डिज़ाइन उसको भेजते हैं, अपने काम भेजते हैं और उसको एक ब्रीफ सा प्रपोजल लिख के भेजते हैं कि ये काम है कितनी देर में करके दूंगा, कितने पैसों में करके दूंगा, ठीक है, तो फिर कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट आपकी गिग को देख के खुद भी आपसे रब्ता कर सकते हैं, तो उस सूरत में आपको इंतजार करना पड़ता है कि क्लाइंट रब्ता करेगा तो आपने जवाब देना है। अब इसमें फिर ट्रिक ये है कि अमूमन बिडिंग लिमिटेड होती है, ये नहीं है कि रोज आप 100 बंदों को मैसेज किए जा रहे हैं, इस तरह कोई इजाजत नहीं देती, आपको दिन में 2-4-5 के दिन मैसेज करने की शायद इजाजत हो, या महीने में हो सकता है 10-50 लोगों को मैसेज करने की इजाजत हो, तो जब लिमिटेड है इजाजत
आपने उसको ध्यान से इस्तेमाल करना है, उसी तरह सोच समझ के आपने वेटिंग करनी है। इसी तरह अगर क्लाइंट ने आपको रिस्पॉन्ड मैसेज भेजना है तो फिर आप ऑनलाइन होंगे तो वो आपको मैसेज भेजेगा। अगर आपने अकाउंट बना लिया उसके बाद दोबारा खोल के नहीं देखा और फिर 3 महीने बाद आके मैसेज करेंगे कि सर अकाउंट चला नहीं, किसी ने रब्ता नहीं किया, तो आपने बोला ही नहीं, जब आप ऑनलाइन नहीं थे तो फिर आपको कोई मैसेज भी नहीं करेगा, ठीक है। और ग्रीन डॉट आ रहा होता है कि ये बंदा ऑनलाइन है, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ट्रिक है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा देर ऑनलाइन रहना है, मैसेज आए तो कॉल करके रिस्पॉन्स करना है और प्रोफेशनल वे में और रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है। जैसे आप टीचर्स के साथ अमूमन बात करते हैं तो वैसे बात करनी है, मिनटें तले नहीं करने के, प्लीज मैं बड़े गरीब उनका गरीब मेरे जनाब मेहरबानी करें, मेहरबानी करने के लिए कोई काम नहीं देता, तो अपना काम करवाने के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं। उस तरीके से प्रोफेशनली आप उनके साथ डील करना है। अर्निंग पोटेंशियल कितना है, जो लोग अमूमन शुरू करते हैं तो पहले 6 महीने में 100 से $200 महाना कमा लेते हैं, ठीक है। 6 महीने में इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि $100-$200, $100-$200 का मतलब है कितने पैसे, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 6 महीने में 50,000 रुपये पर पहुँचा जा सकता है। लेकिन आप अगर आज आप मार्केट में जॉब लेने जाएँ बड़ी मुश्किल से कोई 30-35,000 रुपये राजी होगा बगैर एक्सपीरियंस के, लेकिन यहाँ और जॉब मिलने में जाहिर है अपनी ग्रीन जॉब मिलने में टाइम लगता है, उसके लिए आपको 100 दफ्तरों के चक्कर लगाने हैं, उसी तरह आप काम बेचते रहोगे है, क्या आपने CV बनाना है, जगह जगह दफ्तरों में जमा करवाना है, उसमें से आपने अपनी ऑप्शंस को चूज करना है कि ये जॉब पे जनाब 12 घंटे मुझे खड़ा रखेगा, मैंने नहीं करना, इस जॉब में AC लगा हुआ है तो जहाँ पे जाके करनी है बेशक तो 30,000 दे रहा है, या ये घर के नज़दीक है तो दूर है, प्रोसेस वहाँ पर भी वही होता है। 6 महीने 7 तक जाते हैं जॉब मिल रही है। यही काम हम यहाँ पर ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने घर में अपने कॉलेज में बैठ के कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हैं। अब वहाँ पे जॉब रिस्ट्रिक्टेड है कि जी ठीक है 50,000 रुपये एक दफ़ा को मान दिया तो अगले 5 साल उसने आपकी सैलरी नहीं बना ली। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बेस है, अमूमन 100-200 से 1,000-2,000 डॉलर महाना कमाने के, यानी 2-3 लाख रुपये 4 लाख रुपये कमाने के लिए 1 से 2 साल लगते हैं सिर्फ, ठीक है। कोई जॉब आपको 1-2 सालों में इतनी ग्रोथ नहीं देती, और जो एक्सपर्ट हो जाता है अपने काम पे तो वो आपको आगे मैं लिंक शेयर करूँगा, तो वो अमूमन लोग लाखों डॉलर महाना भी कमा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो इम्पॉसिबल नहीं है कमाना, और पाकिस्तानी है तो कमा रहे हैं और गरीब घरों के लोग हैं, ठीक है, तो कमाया जा सकता है, बहुत आसान है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि कुछ टिप्स को आपने फॉलो करना है, प्रोफेशनली डील करना है। नंबर 1, 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है, फाइबर के ऊपर ऑर्डर देने के लिए 24 आवर्स ऑनलाइन रहना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो क्लाइंट नहीं आएगा। अगर आप जाके मिसाल के तौर पर कहेंगे कि मुझे मैंने वेबसाइट बनानी सीख ली है और आप कहेंगे मैं फाइबर के ऊपर वेबसाइट बनाने का काम करूँगा, वहाँ पर जाके देखें तकरीबन 1.5 लाख लोग और बैठे हैं जो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। उनमें से 2 भी हैं जिन्होंने 1,000-2,000 वेबसाइटें बना ली हैं, जो बड़े प्रोफेशनल हैं, जिनके जनाब शोरूम सजे हुए हैं, सैकड़ों वेबसाइटों की तस्वीरें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो आप बिगिनर जीरो से शुरू कर रहे हैं, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक शर्त है, अगर वो 1,000 ऑर्डर वाला सोया हुआ है और आप जाग रहे हैं, क्लाइंट आता है वो चेक करता है कि कितने लोग ऑनलाइन हैं, तो वो 1 लाख में से एक वक्त में शायद 3,000 या 5,000 लोग ऑनलाइन होंगे, कंपटीशन वहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़े से लोग ऑनलाइन हैं तो उनमें चांस आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपके साथ वो रब्ता कर ले, ठीक है। 24 घंटे ऑनलाइन रहे शुरू में, तकरीबन 3-4 महीने लगातार ऑनलाइन रहेंगे, 24 घंटे का मतलब वाकई 24 घंटे है, ठीक है। कोई मिनट ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, तो फिर आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। एक और तरीका ये है कि अगर आपके कोई चाचा मामा ताया कोई सऊदी अरब बैठा हुआ है या कोई किसी और मुल्क में है तो उनसे रब्ता करें कि भाई मेहरबानी करके मेरे फाइबर के ऊपर एक ऑर्डर लगा दें, ठीक है। 5 डॉलर 7 डॉलर का ऑर्डर लगता है, ठीक है, 1,000-1,500-2,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये एक दफ़ा खर्च कर लें तो पॉकेट मनी कैसे निकाल लें, कहीं और से निकाल लें, उनके बच्चों को कोई तोहफा दे दें, बदले में उनको कहें कि मुझे ऑर्डर लगा दें। तो अगर इस तरह आपको ऑर्डर लग जाए वो लिख दें कि वाह जी मैंने इसे मतलब काम से करवाया नहीं होकर आया है, फिर वो कहेगा तो जी मैंने इसे ड्रेस डिज़ाइन करवाया शादी का, इसके तो कमाल कर दिया, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसने ये बात वहाँ पर लिख दी, तो
तो उसके बाद जनाब जी आपके बारे में आरे हो गए कि आपको जेन्युइन ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और लोग उसको पढ़ेंगे, उसके रिस्पॉन्स में आपको मतलब जिस तरह आपके जो ऑनलाइन शॉप से कोई चीज़ खरीदने लगते हैं या कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि इसके स्टार्स कितने हैं। अगर किसी ऐप के 2 स्टार हैं तो आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे, अगर उसके 5 स्टार हैं, अच्छे रिव्यू लिखे हुए हैं लोगों ने तो आप उसको डायरेक्टली करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर लोग आपके रिव्यूज, आपके स्टार देख के आपसे रब्ता करते हैं। तो अगर शुरू में आप एक फेक ऑर्डर पहले 2 महीने में लगवा देंगे तो चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो लोग सीनियर आपसे पहले अगर कोई काम कर रहा है तो उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं कि भाई आप प्लीज़ मुझे एक ऑर्डर लगा दें, मुझे पैसे दे रहे हैं ऑर्डर लगा दें। बहुत सारे लोग पैसों के बदले में भी ऑर्डर लगाते हैं, तो मतलब वो कहता है ठीक है 2000 तक ऑर्डर है, मैं 3000 तक दूंगा आपको ऑर्डर लगा दूंगा, आप वेरीफाई करके आप ऐसे बंदे से लगवा सकते हैं। ये अक्सर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट या पेड सब्सक्रिप्शन का सिस्टम होता है, सालों बाद पे अपर है या फ्रीलांसर है तो आप उसमें शुरू में इतना सा काम खरीद सकते हैं, उसमें कुछ अमाउंट देनी होती है 10-15 हज़ार रुपये, उसमें आपको यानी दूसरों की नहीं आप उससे पता क्या लगता है प्लेटफॉर्म को, उसे प्लेटफॉर्म को पता लगता है कि ये हमें तो बिगिनर नहीं है, वो मुक्ता नहीं है कि तगड़े मुद्दे करेगा, हमारे क्लाइंट्स को बात करेगा। अगर आप 5-10 हज़ार रुपये प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई काम करने का इरादा करते हैं, तो फिर वो आपको टॉप पर ले जाते हैं, जल्दी ऊपर ले जाते हैं और उसमें फिर आपको क्लाइंट से रब्ता करने के चांसेस, बाकी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। और तीसरा चौथी बात ये है कि हमेशा प्रोफेशनली डील करें, अगर आपसे गलती हुई है, आपका टाइम ज़्यादा हो गया है तो फिल्टर करने के बजाय सीधा सीधा उसको कहें क्योंकि आप अपने पैसे वापस ले रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, बजाय इसके कि वो आपको आप उससे पैसे ले लें और बाद में वो रिव्यू में गालियाँ लिख के जाएगी कि मेरी शादी 2500 थी, इसने 2700 में एक को ड्रेस दिया है, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो अगर काम डिले हो गया या क्लाइंट कहता है कि उनके काम पसंद नहीं आ रहा तो 20-25-30 डॉलर को गालियाँ भेजें, वो नहीं चाहिए आपको, उनका रिव्यू ज़्यादा खतरनाक है और इस पर तुम 20-25 डॉलर का नुकसान देंगे, तो वो फिर आ रहे तो बेहतर है। अच्छा, अब फिर शर्त यह है कि कोई काम आता हो तो करें, ठीक है, घर के आदमी काम भी कर सकते हैं, आपको घर की डेकोरेशन करना पसंद है आप सीख सकते हैं डेकोरेशन के ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, मतलब आपको कैट का नाम आपने सुना हुआ है, 3D मॉडलिंग है, उसके अंदर घर पे मरून कलर के सोफे होने चाहिए, ऐसी खिड़कियों के ऊपर पर्दे लगे हुए हों, ये वो वो आप पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं उसके ऊपर, सीखना चाहें सीख सकते हैं, अपनी आपके आपके आर्टिस्टिक सेंस है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। आपको लगता है आपको डाटा एनालिसिस बहुत अच्छी तरह आता है, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, आपको ग्राफ बनाने आते हैं, आपको नंबर देख के समझ आ जाती है, आप वो काम आगे चला सकते हैं। वो बेसिक्स जो आपको सिखाई गई है उन बेसिक्स को नेक्स्ट लेवल पर शुरू कर लें, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेवल पर आप ले जा सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिसाब किताब का काम है, आपसे किसी न किसी हद तक रिलेटेड या मैथ के स्टूडेंट्स हैं, किसी का 3D मॉडलिंग मैंने बताया, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है, अगर आपको ज्योमेट्री आती है, आपको एरिया वगैरह और बाकी चीज़ों का हिसाब किताब पता है तो घरों के नक्शे बनाना इस तरह का काम आप सीख सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन या लैंडस्केपिंग है घर के अंदर या बाहर की आराइश, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं रिकमेंड करता हूँ, मुझे भी पता है कोर्स में शामिल है या नहीं, फिलहाल कोई नहीं है, आपके करिकुलम में अलबत्ता शामिल हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप किसी का मैथमेटिक्स या करिकुलम निकालेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि मैथ के बच्चे इंटीरियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको पढ़ाया नहीं भी जा रहा है तो आप खुद से सीख लें, मुश्किल काम नहीं, मतलब मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैंने सारी जिंदगी कोई ना कंप्यूटर का कोर्स किया ना मैंने कोई पढ़ी है लैंग्वेज, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, मेरी मेन प्रोग्रामिंग की है तो सीखी जा सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। डाटा मॉडलिंग आप सीख सकते हैं, ई कॉमर्स अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ई कॉमर्स मतलब गोल्ले में जो सबसे नलायक करता होता है, जिसका कोई कुछ नहीं कर रहा होता, मैट्रिक भी नहीं कर रहा होता, घर वाले उसको दुकान खोल के दे देते हैं 2-3 लाख रुपये 5 लाख रुपये तो वो सामान रख के दे देते हैं किसी को अपना, वो कुछ भी ना चले तो वो चल जाता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स कोई कहाँ जोड़े खरीदते हैं उनकी रोज से उसके ऊपर इश्तहार लगाने शुरू कर दें, जूते खरीद रहे हैं उनके इश्तहार लगाने शुरू कर दें तो वो बिकना शुरू हो जाएंगे और उसको फिर आप अगले लेवल पर प्रोफेशनली लेकर जा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। मतलब एक है कि मैं खुद कोई चीज़ बेच रहा हूँ, दूसरा है कि मुझे चीज़ बेचने का एक्सपीरियंस हो गया है, कोई क्लाइंट आता है वो कहता है मेरे पास जनाब 1 लाख डॉलर हैं
आपको दुकान बड़ी सी बनाना चाहता हूँ। आप कहते हैं ठीक है मुझे 1,00,000 रुपए हर महीने के दे दें तो मैं आपकी दुकान चला दूंगा, तो आप आपके लिए 1,50,000 नौकरी इस तरह से ढूंढ सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग हर कोई कर सकता है, स्टार वगैरह लगाना, अगर आपको ग्राफिक्स वगैरह तो उसमें कर सकते हैं, और इसी तरह 70,000 से ज़्यादा फील्ड हैं जिनमें काम किया जा सकता है। ये कोई बात है कि अपना पैशन ढूंढना है, और ये नहीं है कि जी अक्सर लोगों का मसला क्या होता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग की बड़ी डिमांड है, वेबसाइट डेवलपमेंट की बड़ी डिमांड है, नहीं, डाटा मॉडलिंग की कितनी डिमांड है आपने शायद नाम भी ना सुना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी डिमांड है आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, आजकल चल रहे हैं, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि इसमें काम मैं कर सकता हूँ, और हालांकि आप कर सकते हैं, कोई वजह नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। 70,000 फील्ड है और इसी तरह आपके तहाशा काम मिलता है, ठीक है, तो करना चाहिए तो कोई भी काम सीख लें और चाहिए आगे चलना यूँ कर लें। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, इस तरह एक है कि आपको यहाँ पे कोई बॉस मेरे जैसा बॉस मिल जाता है तो रोज आपको गालियां देता है, 5 मिनट लेट क्यों आया, ओए ये क्यों किया, ओए यहाँ पे बैठा हुआ है फोन पे टाइम जाया कर रहा है, ओए खाना खाने के लिए 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में एक है कि आप दुनिया की किसी टॉप कंपनी के किसी बंदे, आपको नहीं पता जो आपका क्लाइंट है वो कहाँ से आया कौन है, आप टॉप के लोगों से इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वालों के 2,000 स्टोर्स के मालिकों के साथ हो सकते हैं आप काम कर रही हो, तो वो जब आपसे काम करवाएंगे आप उनके ऊपर एथिक्स देखें कि वो कितने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, और एक एक सेकेंड का मतलब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मैंने अगर किसी तरह आपको उसको बटन बना के दे दिया कि 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, तो मैंने कहा 2 दफ़ा क्लिक नहीं करना, मैंने 1 दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है, तो वो इतना सा सेकंड अपने बचा रहे होते हैं कि नहीं 2 क्लिक वक्त लाया होता है, 1 क्लिक होना चाहिए, इकट्ठा काम होना चाहिए, और उससे आप सीखते हैं, उससे आप आइडिया पिक कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा काम है जो इर्द-गिर्द यहाँ पे तो नहीं होता, ऐसा तो कोई काम पाकिस्तान में नहीं करता, तो आप उस आइडिया को लेकर स्ट्रेटजी बनाकर अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे खड़े करने का सोच सकते हैं, जो बाहर दुनिया में चल रहा है। तो इसको आपने एक चीज को आइडेंटिफाई किया कि ये एक ऐसा काम है जो हमारे यहाँ पर नहीं होता और हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो चीज आप एज एन एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकती हैं कि आपने आपने कितने लोगों ने अपने प्रॉब्लम देखी है, कितने लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये मसला यार यहाँ भी है, क्या करें आइडेंटिफाई करते हैं, सारे लोग करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आती है, कितने लोगों ने उसका सॉल्यूशन सोचे हैं, उनमें से आते लोगों ने चले सॉल्यूशंस भी सोचे हैं कि हाँ इसका ये हल हो सकता है। अब हमारा मसला ये होता है कि हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, मतलब एक कंसिडर करें एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं किसी का बिजनेस खड़ा करूँ, किसी का कोई मसला है तो मैं उसको हल करूँ, अब वो मुल्क है जहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, उसके मुकाबले में एक ऐसा मुल्क है जो प्रॉब्लम से भरा हुआ है, तो दो ऑप्शन ही ऑप्शन है काम करने की, तैयार क्या अपॉर्चुनिटी है, वो घर में जनाब मैं मतलब छुट्टियाँ होती है टीचरों को, तो घर पर तो आजकल तो दोपहर को सुबह 10 बजे हर गली में से खवातीन बाहर बाहर करके खेलते होते हैं, तो ये उस्मान इधर आना जरा मुझे दही ला दो, मुझे सब्जी ला दो, ठीक है, प्रॉब्लम है ना कि उनके घरों के बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर में तो बंदा नहीं है, तो एक प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है कि आप लोकल लेवल पे डिलीवरी का सिस्टम खड़ा कर लें, 3-4 लड़कों को एम्प्लॉय करें, पोस्टर लगा दें वहाँ पर कि तुमसे इतने पैसे तो आपके रोजाना की सब्जी आपको पहुँच जाया करेगी, सोल्यूशन है, बिजनेस है, किया जा सकता है, और मैं बाहर के क्लाइंट्स देखे हैं जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम तक आ जाते हैं लेकिन उससे आगे सोल्यूशन पे नहीं जाते, हालांकि कर लें तो वो एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी, इसको हम कहते हैं कि हर प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी होती है एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो वहाँ से पैसे कमा सकता है, तो अपनी दुनिया आप पैदा करने के चक्रों में है, ठीक है। अब दूसरा मसला ये है कि आप इसे अक्सरियत को लगता है कि जी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती है, अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ कोई आइडिया लेकर आता हूँ तो हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, आपके इर्द-गिर्द बीसीओं ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिनमें गवर्नमेंट खुद तरले करती है कि आ जाओ कोई तो आ जाओ मेहरबानी करो कोई आ जाओ आकर यहाँ पर बैठो, हम एसी वाले कमरे देते हैं, हम इंटरनेट देते हैं हाई स्पीड, हम आपको इन्वेस्टर से मिलाते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, आकर काम करने वाले घरों को प्रॉब्लम सुनो, उसका सोल्यूशन लाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो,
कंट्रोल में नोट डाउन कर ले। प्लान 9 है अर्थवर्किंग टावर में आइडियाज का कंपटीशन होता है। या आपको इसी तरह आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की या आपने किसी क्लाइंट का देखा कि वो इस तरह काम कर रहा है। मतलब एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि आपके इतना आप ये असाइनमेंट्स होती हैं और असाइनमेंट आपने प्रिंट करवानी है, सुबह पहुँचे इधर जमा करवानी थी 10 बजे, 9 बजे पहुँचे, लाइट में घंटे के लिए गई हुई है, घंटे के लिए गई हुई है, टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो अब वो प्रिंट करवाने के अगर ऐसा हो गया आपने रात को 12 बजे बनाई, आपने वो ईमेल करके किसी कंपनी को सुबह राइटर 7 बजे आपके दरवाजे पर बैठा हुआ और पीएम अपने सामने पड़ रहे हैं और रेट भी सही हो, ठीक है। तो और क्या चाहिए, प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन है, आइडिया कॉम्पिटिशन पर ले जाएँ, वहाँ पर ले जाकर पिच करें, इसको कहते हैं पिच करना। फिर आपने अपना वो बताना है कि ये प्रॉब्लम है, इतने अप्लाई करें चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। प्लान 9 है इसी तरह, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं ऑलरेडी, घरवालों का था या कोई और ऐसी चीज़ थी, घर से आपको सपोर्ट देंगे, आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए, तो आप प्लान एक्स में जा सकते हैं। प्लान 10 में फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे आपको उस बिजनेस को चलाने के लिए 6 महीने के लिए आपको वो देते हैं, पैसे भी देते हैं कि ठीक है आपको आने जाने का ट्रैवल का खर्चा बाकी चीज़ें हम देंगे, आपको एसी वाले कमरे देंगे, आपको इंटरनेट देंगे, आपको बाकी कोई चीज़ चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस चाहिए, बिजनेस चलाने का हिसाब किताब सीखना है, कुछ भी करना है तो हम आपको बेहतरीन बता ला कर देंगे, आपको क्लाइंट्स भी खुल के दे देंगे, सारा कुछ करते हैं वो, ठीक है। कायदा गवर्नमेंट ने सेंटर बनाया हुआ है, उन्होंने पता साइंस कॉलेज में है या नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया कि हर सरकारी कॉलेज में इस तरह का एक सेंटर होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो आप लोग 4 लोग मिल के कोशिश करके बना सकते हैं। इसी तरह नेशनल एक्सपेंशन प्लान है, नेशनल इनोवेशन सेंटर है, नेशनल इनोवेशन बोर्ड है, नेशनल आइडिया बैंक है, आपने एयरबेट का नाम सुना होगा, आपने कंपनी का नाम सुना हुआ होगा, आपने इस तरह की और बहुत सारे स्टार्टअप्स का नाम सुना है जो इन सिस्टम से निकल के आए हैं और वो इसी तरह लेकर चले थे, जीरो से शुरू किया था, वहाँ पर जाकर आइडिया प्रेजेंट किया, आइडिया सेलेक्ट हो गया और उसके बाद वो आगे चल पड़े, बहुत सारे कहाँ मिलेंगे इनके नाम लिखकर गूगल करें। अच्छा एक और बात ये होती है कि मसलन आप ऐसे कितने लोग किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं फेसबुक पर, सब लोग किसी ना किसी को कर रहे होते हैं, उनका अपना कोई ना कोई आइडिया होता है, ठीक है। अच्छा कितने लोग अपनी फील्ड में किसी एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं, मैथ के किसी टॉप क्लास दुनिया के बंदे को, किसी ग्लोबल लेवल के बंदे को करते हो, कुछ ना कुछ लोग करते हैं लेकिन सारे नहीं करते, ठीक है। उसको फॉलो करेंगे तो पता लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो आज जाए ढूंढने मैथ के पेजेस, ज्योमेट्री के पेजेस, मैं सर भी अक्सर शेयर कर रहे थे, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, इतने इतने बेहतरीन मैथ के आइडियाज आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे, लोगों का हैरान होता है कि यार ये मैथ है और एक वो मैथ है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो जब आप कुछ रहा मतलब करना क्या है, आज जाकर सिर्फ 4-5 दफा सर्च करें, 2-4 पेजेस को फॉलो करें, आपको पता है फेसबुक क्या करता है। आपने गलती से किसी बकरी की वीडियो देख ली, एक दफा क्लिक कर दिया, उसके बाद बकरी 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 आए जाएगी, ठीक है। वो फेसबुक दिखाता जाता है, यूट्यूब भी कोई दिखाना शुरू कर देता है, गूगल में भी इश्ते आना शुरू हो जाते हैं, हर जगह पर किसी की भरमार हो जाती है, तो उसको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दफ़ा इन चीज़ों के नाम लिख के गूगल कर लें, ठीक है, फेसबुक को भी पता लग जाएगा आप स्टार्टअप कंपटीशन में इंटरेस्टेड हैं, आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं, यूट्यूब को भी पता लग जाएगा, वो भी वीडियो दिखाना शुरू कर देगा उससे रिलेटेड, और फिर ऑटोमेटिकली आप उस चक्कर में फंस जाएंगे और फिर आप उसमें आपको आइडियाज मिलते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली जब उसका मसलन अब इनकी डेट्स होती हैं, मसलन प्लान 9 मेरा ख्याल सितंबर में आता है, सितंबर में आ रहा है, तो प्लान 9 में आप एक दफ़ा सर्च कर लिया तो जब उनकी पोस्ट आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी, कभी इन्विटेशन आ रही हैं तो आप उसके ऊपर उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे नामों को लिखकर सर्च करें ये भी, और फिर इंटरनेशनल लेवल के भी जो मतलब कई ऐसे भी हैं जो लाखों डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, सीड मनी प्रोवाइड करते हैं, गरीब मुल्कों में आगे बढ़ने के, तो IMF से लोन मिलते हैं और ये इस तरह के सारे वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं, तो एक्चुअली उनकी कोशिश होती है इस तरह का कोई आ रहे तो सही तो कर सके, अभी आपको पता ही नहीं है तो आपने कहाँ से अप्लाई करना है कि उसमें 3,000 डॉलर में से हमारा हिस्सा कहाँ पे है, ठीक है। सिर्फ उनको तो गालियाँ देना काफ़ी नहीं होता ना, वो होता है इसी तरह के लोग मिल जाए, लेकिन फिर वो कौन लोग जीतते हैं, जो DHA में बैठा हुआ है, जो
आप लोग नहीं कर पाते। जब आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को भी पता लगना शुरू होगा, फिर आप भी उसमें से सिलेक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है? वजह ये है फ्रीलांसिंग आप शुरू तो कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है बच्चे पैसे कमाना भी शुरू कर लें, लेकिन वो काम आप परमानेंटली नहीं कर सकते, ठीक है। जो उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव काम है, आपको 5-6 साल घर वाले रिश्तेदार कजनों की शादियाँ हर चीज़ छोड़नी पड़ती है, क्यों? क्योंकि जब काम आता है पता लगता है कि अगला पता क्या है, 1 घंटे के अंदर अंदर जनाब $100 का या $200 का काम है, तो फिर वो कजन की शादी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदा है, ठीक है। तो वो उस वक्त आप वो कर रहे होते हैं, दूसरे काम नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से आप, लेकिन इस पेज पे आप सारी जिंदगी काम नहीं कर सकते, तो जल्द या देर आपको शिफ्ट होना पड़ता है इस तरह के किसी काम पे। आप अच्छे पैसे जमा कर लें, आप अपने साथ 2-4 दोस्तों का ग्रुप बना लें, 5 लोगों का ग्रुप बना लें, ग्रुप मिल के काम करना शुरू कर दें। एक कंपनी के तौर पे आप कहेंगे जी मैंने इस काम का डाटा एनालिटिक्स की मैंने कंपनी खड़ी करनी है, किसी को आइडिया कॉम्पिटिशन में ले जाएँ, आगे जब बंदे भर्ती करें 35-40 साल की उम्र में लाजमी तौर पर इस चीज़ पर शिफ्ट हो जाए, तो बंदे भर्ती करें, उनको गाइड करें कि काम कैसे होना है और वो काम करेंगे आपके लिए। तो आगे से आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होंगे बजाय इससे कि आप मिलते कर रहे हो 4 साल बाद ही कोई आपको प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। फिर जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि आगे सीखते रहें, ठीक है। सीखने के लिए भी बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि जी कोई 1.5 बन गई तो कोई 20,000 में कोर्स करवा रहा है, कोई 40,000 में करवा रहा है, कोई 3 लाख में कोर्स करवा रहा है कि हमसे कर लोगे तो अरबपति बन जाओगे, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें और बहुत बेहतरीन चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, मतलब डिजी स्किल्स का नाम पीछे करते रहते हैं, तो सरकारी प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट पैसे देकर उन्होंने खड़ा किया हुआ है, और तकरीबन 33 लाख से ज़्यादा लोग इससे सीख चुके हैं पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करें, उनके कोर्सेज करें, फ्री में मिल जाते हैं। ये रोज़गार है तो BS के बाद आप ई रोजगार में फिजिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वहाँ पे आपको टीचर अपॉइंट किया जाता है, फ्री में ट्रेनिंग देते हैं और वो भी ये सारा काम सिखाते हैं। इसी तरह यूडेमी है, ऑनलाइन कोर्सेज होती हैं, इंटरनेशनल लेवल के फ्री में भी सीख सकते हैं, कोर्सेरा है, कोर्सेरा में फ्री कोर्सेज भी होते हैं, पेड कोर्सेज भी होते हैं, आप उनकी फाइनेंशियल एड उनसे अप्लाई कर सकते हैं। वो बेहतरीन दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज फ्री में भी आपको सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नहीं भी देते तो आप HEC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको फ्री मिल जाता है, यानी कि आप किसी आपके इसी पे पैसे पे करती है कि जी हमारा जो बच्चा सीखना चाहता है तो आप पैसे देते हैं। इसी तरह गूगल के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हैं फ्री होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हैं फ्री होती हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ आप सीख लें तो ये 3-4 लाख वाली जॉब जल्दी आपको पहुँचा सकती हैं और बाहर की जॉब पर भी आपको पहुँचा सकती हैं अगर आप कर लेते हो डाटा एनालिटिक्स वगैरह। मतलब अक्सर लोगों के दिल में आ रहा होगा कि अच्छा फाइनल हो जाए तो फिर मैं शुरू करता हूँ, अच्छा अब प्लान जाती है वर्ल्ड कप होगा तो फिर उसके बाद देखूंगा, ठीक है, या मैं एक दफ़ा स्किल पूरी तरह सीख लूँ तो फिर मैं अकाउंट बनाऊँगा, वरना सभी बात का बैन हो जाएगा, दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं, अगर आप कल पे डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए, मेरे बात का फायदा नहीं हुआ। पढ़े लिखे हैं, 95% आबादी से ज्यादा एजुकेशन है आपके पास इस वक्त, ठीक है। आज जाए, आज जाकर अकाउंट बनाए, ठीक है। मैं एक दिन एक ड्राइवर के साथ बाइक के ऊपर गया तो वो अनपढ़ सा लड़का लग रहा था, तो मैं मुझे उसके दफ्तर पे उतारा तो उसने कहा कि सर मेरा ना मोबाइल बंद हो गया तो मैं ऊपर आके चार्ज कर लूँ तो फिर पैसे पता लगेंगे, मैं तो ऊपर आ जाऊँ। तो वो दिन आप चार्जिंग के ऊपर उसने लगाया तो उसने देखा लड़के काम कर रहे थे, तो उसने लड़कों से बातचीत की कि यहाँ पे क्या होता है, उसने बताया हम ऑनलाइन काम करते हैं। उसने लड़के को बताया कि मैं पता नहीं 8वीं मैंने पास की भी है तो मुझे किसी ने बताया था कि तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, तो मैं बैकग्राउंड रिमूव करके 35,000 रुपये कमा रहा था फायदा के ऊपर, मेरा लैपटॉप भी चोरी हो गया तो मुझे मजबूर बाइक चलानी पड़ रही है। 8वीं पास लड़का 35,000 रुपये कमा रहा था, वो काम जिसके लिए FSC पास लोग 12-12 घंटे की नौकरियाँ करते हैं, 15,000-16,000-20,000 रुपये तनखा नहीं देता मालिक, ठीक है। अब वो 35,000 रुपये सिर्फ इतने से काम एक मतलब 5 मिनट में आप लोग सीख जाएंगे वो काम जो वो कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो आज शुरू करें, इस चीज़ के ऊपर ना डिपेंड करें, फाइबर के ऊपर अकबर के ऊपर जाकर सर्च करें, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड सर्च करें कि ये इससे रिलेटेड क्या क्या काम होता है। चाहे एक और गलती लोग करते हैं, आपको असाइनमेंट बनानी आती है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी आती है,
आपको पढ़ना पढ़ाना आता है, लोग जाके कहते हैं मैं टीचर मैं मैथ के टॉपिक बड़े अच्छे पढ़ा सकता हूँ, आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी किया होगा पढ़ाने का, तो आप कहेंगे कि जी मैं मैथ पढ़ा दूंगा या मैं असाइनमेंट बना दूंगा। अमूमन असाइनमेंट वगैरह किसी स्टूडेंट का काम करके देना इलीगल एक्ट अकाउंट बैन हो जाता है, पढ़ाने की जॉब पाकिस्तानियों को कोई नहीं देता, आपको वो काम ढूंढने पड़ेंगे जो अमूमन वहाँ के दफाते ही होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई स्टूडेंट मिल भी जाए और वो आपको असाइनमेंट दे भी दे तो वो अमूमन अच्छे पैसे पे नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट गरीब होते हैं, हर जगह पर गरीब होते हैं। तो उसके मुकाबले में अगर कोई किसी दफ्तर में काम करता है, कोई बिजनेसमैन है, किसी के हजारों प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो आपको छोटे से काम के अच्छे पैसे भी दे जाएगा। तो इस वजह से उस तरह के काम ढूंढें, वो सीखें, रिसर्च करें और उनको ये भी बात है कि फेसबुक के ऊपर दूसरी जगहों पर ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू करें, उनसे गाइडलाइंस लें, सीखें, ग्रुप्स में शामिल हों, वहाँ पर उनकी डिस्कशन सुनें, उनके बारे में बात करें। अच्छा, फिर फेक चीज़ें बहुत सारी होती हैं, फिर जब मैं लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट जाती हैं फेसबुक के ऊपर, कोई कहता है कि जी 10,000 रुपये दो तो तुम्हें 6 दिन बाद 20,000 रुपये मिलेंगे, जनाब 20,000 रुपये इतने दिन रखे रखो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अक्सर बच्चे इस फ्रॉड में फंस जाते हैं, पैसे किसी को नहीं देने और सीखने के लिए पैसे किसी को नहीं देने, सब फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, और काम करना है तो इस तरह के लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में क्लाइंट्स मौजूद हैं, वर्कर मौजूद हैं, छोटे मोटे छुपे हुए इस तरह के चीज में पैसे नहीं बनाते। और मैं ऐसे PhD लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लाखों रुपए इस तरह के कामों में ज़ाया कर दिए हैं। ठीक है, तो जी उसने कहा कि 1 महीने बाद आपके 2 लाख रुपए डबल हो जाएंगे, महीने बाद वाकई इसने 2 लाख रुपए दे दिए, उसने 6 लाख रुपए जमा करवाए, उसके बाद वो लेके भाग गया। ठीक है, तो इस तरह के काम हो रहे हैं, आप दूसरे लड़कों को जाकर पढ़ेंगे तो वो मिल जाएंगे आपको पता ही। तो ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना, काम कर देते बदले में पैसे ले लें, वो काम ठीक है और कोई चीज़ काम में नहीं पड़ना। अच्छा, फिर ये कह रही मैं तो इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, अभी तो मुझे आता ही कुछ नहीं है। तो रामा इकबाल कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है नगर में कसीम ने भी, बेखबर तू जो हरे आई ना एक अयाम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है, दुनिया में आपसे खूबसूरत चीज कोई नहीं है। इस वक्त हम जैसे बुढ़े टेढ़ी मेढ़ी शक्लों वाले वो नहीं है, आप नौजवान हैं, आप परफेक्ट क्रिएशन है अल्लाह ताला की। ठीक है, अपनी एबिलिटी में, अपनी अपनी दिमागी सलाहियतों में, अपनी फिजिकल सलाहियतों में बिलीव करना सीखें, यकीन करें, आप यकीन कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, इस कमरे में भी बैठे हुए हैं, जो जीरो से शुरू करके अलहमदुल्ला टॉप क्लास लेवल तक पहुँचे हुए हैं, कई लेवल टू के बाद हो रहा है। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद जावेद नदीम, अगर मुझसे किसी किस्म की मदद चाहिए हो, कोई डिस्कशन करनी हो, तो अमूमन लोग स्टूडेंट मुझे मैसेज द्वारा कर सकते हैं, जहाँ कोई मसला होता है तो वो आप रब्ता कर सकते हैं।